अखलाकत तो ठीक है, टेकचंद का एक बड़ा नाम था, XML भी रहा है और लोगों में ये भी नहीं कि भाई वो उसको टिकट गलत हो। पलवल के बारे में ज़रूर लोगों में एक शंका कह लीजिए या संदेह कह लीजिए या भी कि भाई कोई मजबूत कैंडिडेट उन्होंने नहीं चुना। बड़खल विधानसभा में क्या लग रहा है, सीमा त्रिखा का टिकट क्यों रुका? जी नंबर एक, क्या सीमा त्रिखा का टिकट कट रहा है? नंबर दो, कट रहा है तो कौन? बीजेपी की जो ये लिस्ट जारी हुई है जी, ये बड़ी अद्भुत सी लिस्ट है, अटपटी सी लगती है। अगर हम नाम देने चाहें होड़ल के जी, तो अपने दर्शकों को क्या नाम बताएं? नरेंद्र का भी है, नवीन रोहिला का भी है और कुछ हद तक जगदीश नायर भी। अगर है। तीनों नामों में रैंकिंग देनी चाहें तो आप भी दे दीजिए। सुरजवाला जी, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा प्रभावशाली, मनोज रावत और केहर सिंह रावत में अगर देखें? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और एक बार फिर मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भारतीय जनता पार्टी ने 67 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। इन घोषित 67 कैंडिडेट्स में 5 फरीदाबाद लोकसभा के हैं। जिन 5 को फरीदाबाद लोकसभा में टिकट मिला है वो हैं विपुल गोयल फरीदाबाद से, राजेश नागर तिगांव से, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, प्रथला से टेकचंद शर्मा और पलवल से गौरव गौतम। 4 विधानसभा सीटें रह गई हैं, फरीदाबाद की NIT, दूसरी इसके अंदर जो बची हुई सीट है वो फरीदाबाद की ही बड़खल, और 2 सीटें पलवल जिले की होडल और हथीन। इन चारों पर क्या समीकरण, इस पर कुछ चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। नमस्कार। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, पुराने परिचित हैं, कोई परिचय की मुझे लगता नहीं जरूरत है। सीधे सीधे सवाल पर सुरजेवाला जी, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने क्यों छोड़ी, कैंडिडेट के नाम यहाँ क्यों नहीं दिए गए होंगे? देखिए, कई बार ये पार्टी हेडक्वार्टर पे ये सोच चलती है, जहाँ 2 का पैनल आ जाता है तो फिर वहाँ कुछ पेज फंस जाता है जी जी, और उसको फिर वो सेकंड लिस्ट जिसको कहते हैं हमेशा ये होता है ऐसा। पहली सूची इन्होंने जारी कर दी, दूसरी सूची जो है उस पर मंथन चल रहा है, और या फिर वेट भी होती होगी पहली सूची के बाद का रिएक्शन कितना आया। हाँ, वो भी चलता है, बिल्कुल चलता है जी, कि उसमें देखा जाता है कि भाई कहाँ कोई चूक तो नहीं है। कई बार आजमाइश भी होती है इस तरह का। ठीक है आपकी बात जी जी। सुरजेवाला जी, पिछला जो चुनाव था जी फरीदाबाद का लोकसभा में, जो 9 सीटें पिछली बार थी 2019 में जी, वो जो भारतीय जनता पार्टी ने दी जी, उसमें एक ब्राह्मण था। हाँ जी, उस पिछली लिस्ट में एक ब्राह्मण था, 2 अग्रवाल थे, 2 गुजर थे, 1 पंजाबी ब्राह्मण थे, 1 SC थी, 1 जाट थे जी, इस तरह का समीकरण था। हाँ, यानी सब जातियों को। अब 5 सीटें बट गई हैं जी, 5 में से 3 ब्राह्मण हैं जी, मेजॉरिटी मोर देन 60%। 1 अग्रवाल हैं, वैश्य अग्रवाल, विपुल गोयल जी, और 1 राजेश नागर जी। क्या संदेश देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसमें प्रतिक्रिया तो जो आ रही है आम जनता से वो ये बात ठीक कह रहे हो आप, और ये बड़ा अटपटा सा लगा लोगों को, और इस बात की बड़ी 2 दिन से ये चल रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार 3 सीट एक साथ, 3 विधानसभा, हाँ एक साथ, बल्लभगढ़, पलवल, प्रथला, और लगभग ये किसी जमाने में ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो गांव हैं वो एक दूसरे के अंदर मिले हुए समाये हुए थे, तो उस लिहाज से एक वही है कि भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ही रही है, कभी पलवल बल्लभगढ़ में वो गांव उधर चले गए, कभी इधर आ गए। बल्लभगढ़ और देखो, बल्लभगढ़ के कई गांव पलवल में, प्रथला और बल्लभगढ़ तो एक ही है। हाँ, प्रथला का मतलब पलवल और बल्लभगढ़ मिक्स, हाँ दोनों में से निकल के बल्लभगढ़ के खादर के गाँव आए पलवल में जी, और पलवल के गांव आए प्रथला में जी, जी। बल्लभगढ़ के आए प्रथला में जी। ये 3 विधानसभा समाये हुए थे जी उसमें, और वहां पर 3 सीट एक जाति विशेष को जाना लोगों को अटपटा तो लगा है। बाकी पार्टी ने क्या सोच के दिया है, या विनिंग प्रोस्पेक्टस की बात करें तो प्रथला का तो ठीक है, टेकचंद का एक बड़ा नाम था, XML भी रहा है और लोगों में ये भी नहीं कि भाई वो उसको टिकट गलत हो। पलवल के बारे में ज़रूर लोगों में एक
शंका कह लीजिए या संदेह कह लीजिए या भी कि भाई कोई मजबूत कैंडिडेट उन्होंने नहीं चुना। लोगों में एक ऐसी धारणा है, चलिए मूलचंद तो भी सिटिंग एमएलए सिटिंग गेटिंग आ गया और मंत्री परिषद में भी है, तो बाकी चलो पार्टी की अपनी सोच, जो हुआ सो हुआ, आगे चलते हैं जी। चार विधानसभा रह गई हैं, चारों पर आपसे एक एक करके आपसे पूछूंगा और आपकी ओपिनियन जानना चाहूंगा जी। सबसे पहले आपकी अपनी विधानसभा जहां पे आपका घर है जी, बड़खल जी, हाँ बड़खल विधानसभा में क्या लग रहा है, सीमा त्रिखा का टिकट क्यों रुका जी, नंबर एक जी जी। क्या सीमा त्रिखा का टिकट कट रहा है, नंबर दो जी, कट रहा है तो कौन? ठीक बात, ऐसा है कि बहुत पहले से ये लोगों में एक था कि सीमा जी को शायद टिकट ना मिले जी, लेकिन जब इन्होंने सैनी मंत्रिमंडल में अपना जगह बनाई, मंत्री बनाया सीमा जी को, हाँ, और फिर महिला होने के नाते ये लग रहा था कि शायद इनका कंसिडर हो, शायद इनको टिकट मिल जाएगी जी। लेकिन जैसा कि अब ये होल्ड कर लिया और चर्चाएं हैं और तरह तरह का, तो कुछ नाम और भी आ रहे हैं सामने जी, रेणु भाटिया जी नाम तो बहुत दिन चल रहे थे, चलते रहे, कई बार हमने वीडियोस बनाए, अब फिर आगे है कुछ उभर कर दोबारा से, जैसे रेणु भाटिया का है, दिनेश अदलखा है, मुत्रेजा का भी नाम है, राजन मुत्रेजा, हाँ, और कभी कभी जेतली का भी है, राजीव जेतली का भी नाम, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि खट्टर साहब ने जो कोशिश की, जवाहर यादव, अजय गौड़, इनको टिकट दिलाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं, बात बनी नहीं। सुनने में तो ये आ रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने खट्टर साहब को इस बारे में कुछ नसीहत भी और तरह की दी कि भी ये अच्छा फैसला नहीं। एक चीज कमाल है सुरजेवाला जी, जी वापिस आऊंगा इसी बात को, आपने बात कर दी, खट्टर साहब ने कोशिश की, आपने नाम लिए, स्पेशल नाम हो गए, हाँ वो सीएमओ और उनके नजदीक के लोग जो पीएसपीए आदमी थे, पीएसपीए इस टाइप के लोग जो जी जी, खट्टर साहब के पीएसपीए को तो मिली नहीं जी। बात उठाई थी राव इंदरजीत सिंह ने, हाँ, और राव इंदरजीत के अपने बाबू को मिल गई, हाँ उनको मिल गई कोसली की, कोसली से दोहराव क्यों होगा पार्टी में? बीजेपी की जो ये लिस्ट जारी हुई है जी, ये बड़ी अद्भुत सी लिस्ट है, अटपटी सी लगती है लिस्ट पर, तो एक बार दोबारा चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, नहीं, पूरी लिस्ट पर। थोड़ा सा जिक्र वो आ गया ना बात का जी, जी, जी। कहीं खट्टर साहब का लगता है प्रभाव चला, कहीं लगता है कि कहीं लगता है एकदम निष्प्रभावी हो गए, हाँ ऐसे ही राव इंद्रजीत के बारे में कहा गया कि उनको 3-4 सीटें मिल गई है अभी, लेकिन उन पे भी जो है बराबर प्रेशर की राजनीति बनाने के लिए जी बादशाहपुर से और नरवीर को, हाँ नरवीर को और वो नारनौल से अभय यादव जी को, उनकी नांगल चौधरी से उनकी इच्छा के विपरीत, बिल्कुल, तो ये कुछ अंकुश रखा है पार्टी ने तो, या कभी किसी को थोड़ा सा खुश भी किया है, हाँ, तो दोनों बातें हैं, मिक्सअप है, मतलब किसी को बहुत बढ़ाया नहीं, किसी को बहुत घटाया नहीं, इसे तो ये कह सकते हैं कि है ना, तालमेल रखना एक, हाँ, तरह से तालमेल रखा है उन्होंने, अंकुश भी रखा है। चल बड़खल पे आते हैं वापस जी, तो राजीव जेतली के लिए तो आपने बोल दिया कि जो लगता नहीं, लगता नहीं, हाँ उनका क्षेत्र भी, उसके बाद धनीश अदलखा जी, क्या लगता है? खट्टर साहब के तो वो पसंद है, बट कृष्णपाल गुर्जर की पसंद भी है, हाँ है उनको भी है पसंद, लेकिन उनके जो पीछे कुछ ऐसे वो रहे, उनके ऊपर आरोप लगे, एलिगेशन लाए जो, हाँ भले वो उनकी जांच हुई या नहीं हुई, या तो लगता नहीं है रेणु भाटिया जी है या सीमा त्रिखा जी, आपने दो मिले ऐसी आप जी, रेणु भाटिया सीमा त्रिखा जी, जी दो बात हो जाएंगी, एक तो भाटिया के नाम पर पंजाबी, हाँ पंजाबी, पंजाबी भी, पंजाबी सीट है, पंजाबी सीट तो ये देगी, हाँ, और दूसरा महिला, महिला को रिप्लेस करती है वो, हाँ इसीलिए रेणु जी का है, तो आप वरना बीच में तो चंद्र भाटिया जी का भी नाम आता है, हाँ, तो मान के चले रेणु भाटिया और सीमा त्रिखा के बीच में, हाँ कुछ लगता है कि रेणु भाटिया को शायद चली जाए। चलिए तो देवेंद्र सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि रेणु भाटिया और सीमा त्रिखा जी, अगली विधानसभा एनआईटी जी, सुरजेवाला जी फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा सीट एक बार भी बीजेपी जीती नहीं अभी तक, हाँ उनको भी होता होगा कि यार किसी तरह से जीत जाए जी, हाँ क्यों नहीं, अब की बार लग रहा था कि बात शायद क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली, हाँ
पर वो आमने आ गए नगेंद्र देवेंद्र। हाँ, नगेंद्र देवेंद्र के बीच झूल रहा है। एक तो आपके नाम राशि देवेंद्र जी जी, वो कृष्णपाल जी के राज दुला रहे हैं। हाँ, कृष्णपाल जी उनके लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल। और नगेंद्र भड़ाना ने आज, मैं भी पढ़ रहा था, पोस्ट ताल ठोक दी, ये कह दिया कि पुत्र मोह छोड़े। हाँ, सीधा 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 आरोप कृष्णपाल गुर्जर पे। बिल्कुल। और शायद मीटिंग भी उन्होंने बुलाई हुई आज जी, पंचायत कहते हैं जिसको, कह रहे मेरा फोन नहीं उठाया। वैसे कृष्णपाल गुर्जर से मिलने पहुंचे हुए थे जी, मैंने वो नज़ारा देखा था जी। अब वो पता नहीं फ़ोन कब नहीं उठाया, ये बात की बात होगी जी। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है फरीदाबाद NIT? ऐसा है कि पीछे तो ये रहा कि 2014 में भी, 2019 में भी कृष्णपाल जी ने एडी चोटी का जोर लगाया अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए, तिगांव के लिए। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए जी। सीधा सीधा हाईकमान ने उनको, मतलब उनकी बात को ठुकरा दिया। इस बार चूंकि बीजेपी कदम फूंक फूंक कर रखी हुई है, और पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ उसमें भी कौन सी सीट पे हमें कहां से कामयाबी मिली, उस सीट को भी अपना मानते हुए, तो NIT की सीट पर कृष्णपाल जी अपने पुत्र को आगे लेके आए हैं, वो उसकी पैरवी कर रहे हैं। कितना हाईकमान पे उस बात का प्रभाव पड़ेगा, हाईकमान इस बात से कितना सहमत होगी, पब्लिक की नज़र में क्या लगता है, देवेंद्र या नगेंद्र कौन अब ज़्यादा लगता है? नेचुरल है कि नगेंद्र का पलड़ा भारी है, नगेंद्र भाई। हाँ, उसका अपना वजूद है और वो पहले भी विधायक रहे हैं वहाँ से। ये तो सिर्फ एक कृष्णपाल के पुत्र हैं इसलिए है, और वरना उस हल्के में, उस इलाके में मैं नहीं समझता इनका कोई ना क्षेत्र है ना कभी कोई बात। तो नेचुरल है कि अगर नंबर देना चाहें तो नंबर एक पे नगेंद्र या देवेंद्र? नहीं, आपने कहा ना प्रभाव तो नगेंद्र का ज्यादा जी, उसके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरते वो। देवेंद्र कहीं नहीं ठहरते, लेकिन पार्टी के अंदर कितनी वो अपनी चलाते हैं और उनका कितना उनको राजी कर दिया जाता है, वो वक्त की बात है। आपकी बात से जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ जी, अगर प्रभाव चला ग्राउंड का हाँ तो नगेंद्र, यस प्रभाव चला राजनीतिक सिफारिशी तो देवेंद्र, तो देवेंद्र को हो सकता है, मतलब नगेंद्र और देवेंद्र के बीच में सीट झूल रही है जी। बीच में यशवीर डागर भी है, उनका भी लगता है कुछ क्या? नहीं, इस बार नहीं है, पहले इस था बार नहीं है। इस बार नहीं। हाँ, एक हो सकता है कि दीपक डागर की टिकट कटने के बाद, क्योंकि एक ये थ्रू आउट द स्टेट जी एक रोज सब बना हुआ है, एक फैला हुआ है, खासकर वैश्य समाज में, अग्रवाल समाज के अंदर, उनको इस बात का है कि हमारी पलवल की सीट, गुड़गांव की सीट, और इसी तरह से दो तीन और जगह जहां वो समझते थे, सोनीपत, तो वो, और इसी तरह जाट के लिए भी अब यहाँ पे अभी तक तो एक सीट जो है ना लग रही है कि अथीन की अभी तक चलो अनाउंस नहीं हुई। वैसे और जाट वाली बात दोनों चेंज हो गई ना? नहीं, उस हिसाब से यशवीर को कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा नाम हाँ, जो अभी तक नाम नहीं था हाँ। दीपक डागर की टिकट करने के बाद वो कंसीडर भी हो सकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत, वरना कोई चांस नहीं। वैसे नगेंद्र देवेंद्र दीपक को टिकट होती फिर तो कोई चांस ही नहीं था यशवीर का, तो अब जो हो सकता है कि फाइनल जो बताएं लोगों को, तो नगेंद्र देवेंद्र और हो सकता है लॉटरी बीच में यशवीर की भी लग जाए, इसलिए कि एक टिकट डागर का जाट का कट गया है वो पथला जी। तीसरी विधानसभा, ये तो दोनों वो गई जहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ पे आपका प्रभाव है, तीसरी जो आपका कार्य क्षेत्र रही है लगभग जी, हथीन विधानसभा जी जी। हथीन विधानसभा आजकल MLA है प्रवीण डागर, हाँ बीजेपी के विधायक हैं, हाँ, पहली बार रामजल डागर के बेटे हैं, पहली बार विधायक बने, और कम से कम प्रवीण डागर के विधायक रहते हुए हाँ जो छवि मैं समझता हूँ रामजीलाल डागर की थी हाँ, लगभग वही छवि प्रवीण डागर की भी रही। नहीं, खैर उनकी तो बहुत शराफत और अच्छे छवि रही। प्रवीण पर भी कोई आरोप नहीं, कोई आरोप नहीं रहा प्रवीण पे भी, निसंदेह प्रवीण का भी कार्यकाल अच्छा रहा है, उस पर कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन बात जो थी ना रामजीलाल की, जरा वो जमाना भी था, वो युग था, वो एक सर वो राजनीति का अलग ही एक हाँ, उनकी राजनीति बड़ी स्वच्छ थी रामजीलाल की।
उनकी इज्जत थी इलाके में। मनोज रावत का नाम चला था, हाँ बीच में आया है। मनोज रावत हैं सुरजेवाला जी जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उनकी धर्मपत्नी। बिल्कुल। दिल्ली पुलिस में दरोगा थे जी, दरोगा की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का जी, राजनीति करेंगे सीधी जी। हाँ जी, अब तक ये खाकी वाले हमें धमकाते थे, हम खाकी वाले हम अब बिल्कुल धमकाएंगे खादी को आगे। बिल्कुल। तो मनोज रावत जी भी वर्दी में उतार दी और काफी कुर्ते शुर्ता पहन करके राजनीति में है, लेकिन फील्ड में जो है क्षेत्र में कोई ज्यादा उनका नाम सुनने को नहीं मिला और ज़्यादा पहचान नहीं रही। भले ही उनकी धर्मपत्नी जिला परिषद की अध्यक्ष हो, और दूसरा जैसा कि प्रवीण डागर का अच्छा ठीक रहा है कार्यकाल, दाग नहीं है उनके ऊपर, तो उनको भुलाया नहीं जा सकता। और तीसरे जो है केहर सिंह रावत भी हैं जो एक्स एमएलए रहे हैं। हाँ ये बात अलग है कि वो लोकसभा के चुनाव में उनके पाँव डगमगा गए थे, नहीं फिर जम गए थे बाद में। वो जम तो वो बाद में गए, सुरजेवाला जो डगर जो मगा गए, जो पनघट की डगर है ना, हाँ। ये डगमगाते हुए चलती है और बाद में पहुंचती सीधी कुनिया पे। वो डगमगा गए थे, यूं तो टेकचंद जी हैं, वो साथी थे दोनों में और खुल्लम खुल्ला। और जी अब जब टेकचंद जी को टिकट मिल सकती है तो केहर सिंह जी का भी नाम आ सकता है, ऐसा नहीं है, तो वो भी दौड़ में है शामिल। सुरजेवाला जी आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा प्रभावशाली, मनोज रावत और केहर सिंह रावत में अगर देखें तो? देखिए नाम जो है लोगों में पहचान जो है और जो समझ बूझ है वो केहर सिंह का ज़्यादा। दोनों एक गांव के ही हैं, भले ही हो एक ही गांव है, नांगल जाट दोनों का। हाँ जी, लेकिन केहर सिंह का नाम थोड़ा सा लोगों में ज़्यादा है। एक बार विधायक रह गए तो इस अनुभव भी है। हाँ जी, हाँ जी, उनके पास वर्कर भी है, ऐसा नहीं है। दोनों में अगर आपने पूछा है तो बाकी प्रवीण का अपना है, उनका अपना। अच्छा एक बात और बताऊँ सुरजेवाला जी आपको, की बार सहरावत पाल ने भी पूरी दावेदारी ठोकी हुई है वहाँ पर। देखिए ये जब मनोज रावत का नाम चला तो सहरावत पाल ने पंचायत की और सारी पाल इकट्ठी होकर कृष्ण पाल गुजर के निवास पर पहुँच गई जी, हुक्का शुक्का उठा करके वहीं गुड़गुड़ाट चल रही थी, मैंने देखा खुद जी। असल में ये खाप और ये इनका असर पड़ता है वैसे क्या नेताओं पे? थोड़ा बहुत ये भीड़ भाड़ जाती है जब, तो नहीं पहले तो ये कहा जाता था हरियाणा भवन में जो ज्यादा भीड़ दे जाता था उसको टिकट मिल जाती थी, वो पुरानी राजनीति थी, पुराने जमाने चौधरी देवीलाल की, चौधरी चरण सिंह की, वो राजनीति थी उस टाइम, तो ये होता था जो ज्यादा भीड़ लेके आ गया। सुरजेवाला जी आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ, मुझे एक दिन संपत सिंह जी मिले जी, जब हरियाणा के मिनिस्टर फाइनेंस थे जी, तो पलवल एक शादी समारोह में आए हुए थे जी, बड़े सादगी से बैठे हुए थे रेस्ट हाउस के कमरे में, हाँ, और उनके सामने डीएसपी बैठा हुआ था जी। डीएसपी ने कोई वर्दी वर्दी नहीं पहनी हुई थी और अपना वो आराम से उनके सामने ही बैठा हुआ था। और बतिया रहे होंगे? नहीं बतिया भी, उन्हें पता ही नहीं था कि डीएसपी है ये। अच्छा। मैंने चौधरी संपत सिंह से कहा, प्रोफेसर साहब से, हाँ, तो वो कहने लगे कि एक वो दिन था कि चौधरी देवीलाल थे जी, वो फटे हुए कुर्ते वाले को भी टिकट देते थे। हाँ। और भाई आज का बगैर कुर्ते वाले को दिया, बगैर कुर्ते वाले को भी दे दिया। हाँ फटा कुर्ता तो छोड़ो, मैं बता रहा हूँ आप। हाँ हाँ बिल्कुल दिया, मनमोहन सिंह, धनिकलाल मंडल को राज्यपाल बना दिया सर, धनिकलाल मंडल न जाने कितने लोगों को। हाँ। वो बताते ही ऐसे तो वो राजनीति अलग थी, जमीन से उठाते वो राजनीति अलग थी। फूल सिंह खेत में हल चला रहे थे। हाँ। और सिर्फ ना कोई कुर्ता ना बनियान कोई नहीं था उनके बदन पे, और सिर्फ एक लंगोट और वो हल चला रहे थे। वो गाँव जो है हमारे वहाँ फरीदपुर गाँव से है वो, उस वक्त ये हल्का जो था बड़ोपल, तो वहाँ टोहाना हल्का था उस वक्त। और जो सूरजमल बहुत बड़े नेता थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे केरल मंत्रिमंडल में, तो उनके खिलाफ वो सन 62 की बता रहा हूँ, वो टोहाना चले उस गांव में चले गए फरीदपुर, पांच गांव कुंडुओं के हैं। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा परिवार है कुंडू परिवार, तो वहाँ गए, उन्होंने कहा एक लड़का दो मुझे चुनाव लड़ाना है। जी लड़का तो इनका बहुत बड़ा परिवार है, मनफूल है इनका एक लड़का, कहते वो है कहाँ खेत में है जी। वो वहाँ पहुँचे तो चले गए। हाँ खेत में वो हल चला रहे, कह रहे छोरे बात सुन इधर आ, कि हाँ जी कि हल छोड़ दे तेरे को एमएलए बनाऊंगा। वो कहते हैं क्यों मजाक करो, कहते नहीं बैठ मेरी गाड़ी में, जीप थी उनके पास खुली जीप, उसमें बैठाया हिसार ले गए।
कहते हैं दो जोड़ी कुर्ता धोती और एक जुत्ती दिला करके उनको जीप में घुमाया। और उन्होंने, मजे की बात है कि सूरजमल जैसे उस वक्त जिनका बहुत बड़ा तप था, उनको हरा दिया, उनको हरा दिया। मैं वही कह रहा था, प्रोफेसर संपत सिंह मुझे कह रहे थे कि वो युग था जी, आज का युग क्या है जी, आज तो जेब देखते हैं ऊपर वाली जेब कितनी भारी है, नीचे वाली नहीं। अरे अब तो ये 2014 के बाद 19 के बाद बढ़ता ही जा रहा है, तो अब तो बगैर पैसे वाला कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है। मतलब राजनीति का स्तर ऐसा लगता है कई बार तो बहुत ज्यादा, क्या कहिए कि हिम्मत ही नहीं करता। आप अगर कोई आप आदर्शवादी व्यक्तित्व अगर आप हैं तो मुझे लगता है वो आपकी बुराई है। बुराई क्या है, उसको कोई लोग पास में लफटने दे। अगर आप कोई शरीफ और ईमानदार हैं तो आपकी कमजोरी है, कमजोरी मान राजनीति का फलसफा ही होगा। खैर लंबी चर्चा हो जाएगी, किसी और विषय पर करेंगे इसमें जी जी। सुरजेवाला जी, मैं बता रहा था आपको कि प्रवीण डागर और केहर सिंह रावत जी, मनोज रावत बीच में, मैंने आपको नाम कहा था जी, तो आपने कहा कि जो मैंने बताया कि सहरावत पाल गई हुई थी, तो आपने कहा कि आज वाकई इनका असर मुझे लगता नहीं कि नेताओं पर पड़ता हो, कुछ कोई ज्यादा नहीं है, कोई पार्टी भी हो, तो क्या लगता है आपको, सहरावत पाल तो नहीं लगता, क्या लगता है उसको भी कोई बात बन सकती है क्या? देखिए हेमराज सहरावत इस पाल से एमएलए रहे 1968 में, और उसके बाद नहीं ये कोई ऐसा मौका मिला। रावत या डागर, चूंकि उनकी संख्या ज्यादा है, और ये दुर्भाग्य है कि भी गोत नात जात पात इस नाम से वोट मिलता है, चलता है बिल्कुल ही। तो सहरावत से कोई ताल ठोक रहे हैं लोग, बट ऐसा कोई, अगर हम दो नाम बताना चाहें लोगों को तो कौन से बता दें? केहर सिंह और प्रवीण डागर। तो हथीन का अगर हम मान करके चलें, आप टिकट जल्दी आ जाएंगी, तो केहर सिंह रावत और प्रवीण डागर, यानी कि मनोज रावत को सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि उन पर शायद कंसीडर ना हो। नहीं, नाम तो उनका चला है, नाम चला उनको, है उनको झुठलाया नहीं जा सकता। यानी कि रावत पाल से हम दोनों नाम कह देते हैं, केहर सिंह और एलियस मनोज रावत, और डागर पाल हुई तो प्रवीण डागर। चलिए, होडल विधानसभा जी, रिजर्व विधानसभा है, एक बार नायर एक बार उदयभान, एक बार नायर एक बार उदयभान, ये चल रहा है बहुत टाइम से, बहुत समय से। चौधरी उदयभान आजकल हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, यस, पिछला चुनाव हार गए थे लगभग 3,032-3,300 वोट से जी। हरिंदर रामरतन का नाम चला वहां पर सुरजेवाला जी जी, जिस प्रकार से जो हवा में नाम तैरे थे, मैं नाम चलना तो वो कहूंगा कि जिसको चर्चा में आए, चर्चा में अगर वो हवा में तैरे नाम, वो जी 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 चला हरिंदर रामरतन का। हाँ, मैंने एक दिन पूछ भी लिया था कि बड़े खुश हो क्या, नेताजी ने हाँ कर दी है, तो चुप फंस पड़े, कहने लगे मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ जी। उसके बाद अगले दिन उनका नाम भी हवा में तैर पड़ा जी, जो मीटिंग हुई शनिवार को बीजेपी की, शुक्रवार को जी जी। हरिंदर रामरतन ही फाइनल या कोई और नाम, क्योंकि वहाँ पे दो नाम और हैं। देखिए, अगर ऐसा जैसा आपने कहा ना, हवा में तैर रहा था और नाम एक आ रहा था आगे, तो हो जाता इनके हक में, ये 67 की जगह 68 सीटें आ जाती तो हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ दो तीन नाम और भी हैं जो सीटिंग MLA हैं, जगदीश नायर अभी भी वो रेस में है, उनका एक ही बेनिफिट है कि वो वाल्मीकि जाति से है जी, और MLA हैं और सीटिंग MLA हैं, और वो प्रयासरत हैं, और दूसरी तरफ मैडम है नवीन रोहिल्ला जो पहले गवर्नमेंट सर्विस में थी, और उनके पतिदेव भी हमारे चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं अभी अभी रिसेंटली, उनका भी क्षेत्र में बड़ा अच्छा प्रभाव है, और वो सामाजिक कार्यों में भी, वो महिला होने के नाते, और उन्होंने वर्किंग भी है, मैं भी देखता हूँ, उन्होंने अपना महिलाओं में और घरों में जाके उन्होंने जो अपना एक संपर्क साध के रखा पिछले, अच्छा मेरे सोर्स ये भी बता रहे थे कि अभी उनसे 2 साल से उन्होंने जो मेहनत की है ना, वो निसंदेह उनके हक, उनसे जो है हरियाणा का जो मुख्यमंत्री निवास है उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट मंगाए जी, मेरे सोर्स बता रहे थे अभी जी जी जी। और वो एक राजनीतिक परिवार से भी है, इनके ससुर काफी लंबे समय गांव के सरपंच भी रहे हैं, अच्छा नाम था इलाके में, इत्तफाक से वैसे ये उदय भांजी के रिलेशन में भी हाँ। है। अच्छा, अभी आपने कहा कि जगदीश नायर वाल्मीकि वाली बात, हाँ मैं जो देख रहा था बीजेपी की लिस्ट भी देख रहा था जी, जो SC के अंदर है, SC समाज के अंदर है, जो खासकर जी अनुसूचित जाति में जी, उसमें जो सबसे बड़ा रेशियो है वो है जाटव रामदासिया बोले, रामदासिया जाटव जिन कहते हैं, रामदासिया ठीक है, और वो लोग कहते हैं कि बीजेपी कंसीडर कम करती है उनको टिकटों में,
इस वजह से वो नाराज रहते हैं। इस चुनाव के बाद ज्यादा हुआ है, ये जो लोकसभा का चुनाव है ना, हाँ, इसके बाद इस बात को बहुत ज्यादा हवा भी चल रही है। तो क्या ये वाला मैटर नवीन रोहिल्ला के फेवर में हो सकता है फिर? नहीं, ये फेवर में नहीं जाएगा, अगेंस्ट में भले चले जाओ। नहीं, वो एक बड़ा जो तबका प्लीज करने के लिए आप ये कह रहे हैं ना, उस बड़े तबके को राजी करने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा राजी करने की बात होती तो जैसा अब ये लिस्ट जारी हुई है, दीपक डागर का नाम ना काटते। 13 जाट हैं सर 67 में से, बताऊंगा आप अगली चर्चा में चले चलेंगे उसको। 13 मेरे को ऐसा लगा, 12-13 जाट उसके अंदर हैं, कोई कह रहा 11 है, कोई 10 है। अगली चर्चा में लाऊंगा मैं, आपको नाम बताएंगे उनके सबके। तो मेजोरिटी है, कई सीटों पे 45 सीट कहते हैं ऐसे है जहाँ वो बाहुल्य है उनका है, तो इसलिए कंसीडरेशन तो होती है। तो नहीं, आप जो बाहुल्य वाली कह रहे हैं तो उनको मुझे लगता है कि जबकि बीजेपी तो बात ही करती है नॉन जाट वाली, हाँ, तो बहुत दे दिया सीटें तो हिसाब से। चले, वो पार्टी का अपना। अगर हम नाम देने चाहें होडल के जी, तो अपने दर्शकों को क्या नाम बताएं? नहीं, दर्शकों को तो ये जगदीश नायर का भी है, उनको वो नहीं किया जा सकता। अगर हरिंदर का नाम तय होता तो पहली लिस्ट में आ जाता जी, इसका मतलब कोई लोचा है। हाँ, थोड़ा सा फर्क है जी, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हरिंदर का भी है, नवीन रोहिल्ला का भी है, और कुछ हद तक जगदीश नायर भी। अगर तीनों नामों में रैंकिंग देनी चाहें तो आप ही दे दीजिए। अगर पार्टी की सूझबूझ के हिसाब से जैसा चल रहा है, और आपने भी कहा, तो नवीन रोहिल्ला का नंबर एक पे आती है। महिला होने का भी है, जिले में कभी नहीं हुआ, पढ़ी लिखी भी है कई बातों के हिसाब से। तो और हरिंदर का जो है, एक तो उनका गांव वहाँ नहीं है। हाँ, उनका पलवल में है। उनका पलवल में शमशाबाद गाँव है, और वैसे रिहायश होटल कर रखी उन्होंने, वो तो कर लेंगे। बाकी जो लोगों में है प्रभाव, कृष्णपाल गुजर के बहुत क्लोज है। हाँ, कृष्णपाल जी उनके मदद करेंगे, तभी उनका नाम आ रहा है, अदरवाइज तो मैं नहीं समझता कि वो कोई और कोई वजह होती है। तो मतलब नंबर एक नवीन, नंबर दो हरिंदर, नंबर तीन पर नाया जी। अभी तक की जो हमने चर्चा आपके साथ की, फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा के लिए जो टिकट का है रेनू भाटिया और सीमा त्रिखा, फरीदाबाद NIT के लिए देवेंद्र और नगेंद्र, होडल के लिए नवीन रोहिल्ला और हरिंदर रामरतन, बीच में जगदीश नायर भी, और हथीन विधानसभा के लिए प्रवीण डागर और केहर सिंह रावत, बीच में मनोज रावत भी। आप हमारी की बातों से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे लिस्ट जल्दी आ जाएगी, आपको सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।